आप देख रहे हैं जियो वी दोस्तों वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का तो उससे पहले अगर आपने अभी तक जियो वी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जियो न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ का युवाओं को तोहफा यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग योजना अभ्युदय मंगलवार से होगी शुरू जी हाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है इन छात्रों को मुफ्त में कोचिंग की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना लॉन्च कर दिया है इस योजना के तहत अब पूरे राज्य में मुफ्त में कोचिंग देने वाले सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे इस योजना का मकसद ऐसे सभी छात्रों की मदद करना है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं इस योजना के जरिए मुफ्त कोचिंग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में भी कोटा जैसे कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों के योजना से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी बोले हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोई योजना नहीं जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार की हैदराबाद या फिर किसी अन्य शहर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोई योजना नहीं है यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस ऐसी मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर दिए गए उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है भविष्य में सरकार हैदराबाद चेन्नई मुंबई जैसे अन्य शहरों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है किशन रेड्डी ने ओवैसी के इस बयान को कल्पना और झूठे प्रचार की संज्ञा दी उन्होंने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है केंद्र सरकार हैदराबाद सहित सभी शहरों के विकास के लिए काम कर रही है और इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की कोई योजना नहीं है किसान महापंचायत में बोली प्रियंका गांधी कहा जनता ने मोदी को दो दो बार पीएम बनाया जी हां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा उन्होंने महासभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखे हमले बोले उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार में क्या किसानों की आय दोगुनी हुई इस दौरान प्रियंका गांधी ने माना कि आपने भलाई के लिए कानून बनाए हैं मगर जब वो नहीं चाहते तो कानूनों को वापस लो प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या मोदी सरकार जबरदस्ती किसानों की भलाई कर रही है वे भाषण देने नहीं आई हैं, आपसे बातचीत करने के लिए आई हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि आप हमें बताते हैं कि आप और हमारे बीच भरोसे का संबंध है और उसी रिश्ते पर आप एक नेता को आगे बढ़ाते हैं उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि जनता ने मोदी को दो दो बार पीएम क्यों बनाया प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों के मन में भरोसा था कि वो आपके लिए काम करेंगे उन्होंने कहा कि पहली बार मोदी की सरकार आई तो बड़ी बड़ी बातें हुई प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि 2017 से यहां गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं हुई पीएम मोदी ने किसानों का बकाया पूरा नहीं किया लेकिन अपने लिए सोलह हजार करोड़ रुपये का हवाई जहाज खरीद लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जो नई कृषि कानून लाई है उससे सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलेगा कोविड 19 की चपेट में आए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अस्पताल में कराया गया भर्ती जी हाँ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है विजय रूपाणी वडोदरा में चुनावी भाषण देते समय मंच पर ही गिर पड़े थे उन्हें मंच पर प्राथमिक उपचार दिया गया उनकी हालत ठीक होने की बात कही गई है हालांकि उन्हें बाद में अहमदाबाद भेजा गया और आगे की जांच के लिए यूएन मेहता अस्पताल में एडमिट कराया गया है गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि कल वडोदरा में एक जनसभा में मुख्यमंत्री बेहोश हो गए थे वहाँ से उनको जाँच के लिए अहमदाबाद में अस्पताल लाया गया मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनका इलाज शुरू हो गया है उनको एक सप्ताह के लिए भर्ती रहना पड़ सकता है पुलिस का दावा दिशा ने किसानों से जुड़े हुई टूलकिट में बदलाव कर उसे आगे भेजा था जी हाँ शायद आपको याद हो कि स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने गत तीन फरवरी को किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक टूल अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की थी हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने उस टूल को हटा दिया इसके बाद चार फरवरी को उन्होंने एक बार फिर टूल पोस्ट की थी इसके साथ ही उन्होंने एक संदेश भी लिखा कि यह अपडेटेड टूल है और इसी का इस्तेमाल किया जाए पिछले दिनों इस मामले में बेंगलुरु की दिशा रवि को पुलिस ने गिरफ्तार किया जहां से उन्हें पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया गया दिशा को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि उन्होंने ही टूल में बदलाव कर उसे आगे भेजा था आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग के टूल ट्वीट मामले को लेकर गिरफ्तार बेंगलुरु की इक्कीस वर्षीय दिशा रवि को दिल्ली की एक कोर्ट ने पाँच दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है पेशी के दौरान पुलिस ने कोर्ट में कहा कि दिशा ने किसानों से जुड़े हुए टूल में कुछ चीजें जोड़कर आगे भेजा था साथ ही दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग को ट्विटर से टूल हटाने को कहा था उसने ही एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था